आप सभी का स्वागत है हमारी रसोई में। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंगफली की बर्फी, जो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलो बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, 2 कप मूंगफली डालेंगे छिली हुई, जो हमने 1 घंटा पहले फुला ली थी और ये छील कर रख ली थी। और 1/2 कप डालेंगे बादाम, ये भी हमने फुला के और छील लिए थे, और इन्हें साइड रखेंगे। और 1 कप चीनी लेंगे इसमें डालने के लिए, और मीठा ज़्यादा और कम आप कर सकते हैं। और 1 मिक्सी का जार लेंगे और 1/2 चीनी इसमें डाल लेंगे पीसने के लिए, और 1/2 सी मूंगफली डाल लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके ही पीसेंगे हम, जिससे कि अच्छा पेस्ट बनेगा। और इसे ढक्कन लगा करके पीस लेंगे। अब हमने पीस ली है मूंगफली, आपको खोल कर दिखाती हूँ। ऐसा ही पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। और इसे 1 बाउल में पलट लेंगे। और 1 बाउल में पलटने के बाद और सारी मूंगफलियों को इसी तरीके से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी मूंगफली पीस ली है, इसी तरीके का सारा पेस्ट बनाना है। अब हम इसकी बर्फी बनाएंगे। और बर्फी बनाने के लिए कढ़ाई में बैटर को डालेंगे और गैस को धीमी रखेंगे, धीमी गैस पर ही भूनेंगे अच्छी तरीके से। और ध्यान रहे गैस को तेज नहीं करना, नहीं तो हमारा बैटर नीचे से जल जाएगा और भुन नहीं पाएगा। और गैस को मंदी ही रखनी है। और आप देख सकते हैं हमारा बैटर भुनने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और इसी तरीके से और पकाना है। और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हमारा बैटर भुन गया है और ये डो की तरह बनने लगा है। हमें इसी तरह का चाहिए बर्फी जमाने के लिए। और इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। अब हमारा बैटर ठंडा हो गया है और इसमें थोड़ा सा केवड़ा बटर डालेंगे खुशबू के लिए, जिसमें हमारी बर्फी अच्छी लगेंगी। और इसे थोड़ा सा हाथ पर मैदा लगाएंगे, जिससे कि हमारा बैटर चिपके नहीं, और अच्छे से इसे मांड लेंगे। और नीचे थोड़ी सी सूखी मैदा लगा करके इसे गोल बेल लेंगे। अब हमने ये बेल लिया है, और ध्यान रहे मोटाई बेलना, ज़्यादा पतला नहीं करना। इसे बेलने के बाद इस पर कटे हुए पिस्ता डाल देंगे सजाने के लिए, जिससे हमारी बर्फी अच्छी लगेंगी और सुंदर लगेंगी। और थोड़े से इसे बेलन से बेल देंगे। इसे बेलने के बाद चाकू से बर्फी के आकार में काट लेंगे, और आप किसी भी आकार में काट सकते हैं। हम काजू कतली के आकार में काटेंगे। अब हमने लंबी लंबी पट्टी काट ली है, अब इन्हें हम काजू कतली की तरह काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी बर्फी बनी है। और इसी तरीके से सारी पट्टियों को काट लेंगे बर्फी के आकार में। हमारी मूंगफली बर्फी बनके तैयार है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और दीपावली पे बना करके जरूर देखें। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।